भगवान सीखेंगे, देखेंगे कि खुदा का कलाम आजमाइश के ताल्लुक से क्या बात करता है। मेरे साथ निकालिए साम 66 और उसकी वर्स नंबर 9 और 10 हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, वही हमारी जान को जिंदा रखता है और हमारे पांव को फिसलने नहीं देता, क्योंकि ऐ खुदा तूने हमें आजमा लिया है, तूने हमें ऐसा ताया जैसे चांदी ताई जाती है। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से हम सबों को बरकत मिले। आमीन। आइए हम 1 मिनट दुआ करेंगे और फिर इस पर गौर करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, हम आपकी हजूरी में झुके हुए हैं। खुदावंद अपने कलाम के वसीले से आज हम सबों की जिंदगी के साथ कलाम कीजिए, ताकि हम आपके कलाम के वसीले से सेर हों, आसूदा हों, हमारी मदद हो, हम तरक्की करें और आपकी हजूरी में आगे बढ़ें। यीशु मसीह के नाम से ये मांगते और लेते हैं। आमीन। हालेलुया। इस दुनिया के अंदर मेरे अजीजों, हर एक शख्स किसी न किसी आजमाइश से, किसी टेस्ट से, किसी ऐसे दौर से गुजर रहा होता है जिसमें वो देखता है कि हर तरफ से जो है वो घिरा हुआ है और सूरत हाल जो है वो बहुत ही गंभीर बाजुकात हमें मालूम होती है, और ऐसा लगता है कि शायद हम इस बार जो है इसमें से गुजर नहीं पाएंगे, इस बार हम कायम नहीं रह सकेंगे। लेकिन खुदा के लोग, रास्तबाज जो हैं, उनकी जिंदगी के अंदर भी ऐसा ही होता है। जैसे आम दुनिया के लोग आजमाइशों में से, हालात में से गुजरते हैं, बहुत सारी चीजों को फेस करते हैं, वैसे ही ईमानदार भी आजमाइशों में से गुजरते हैं और बहुत सारी चीजों को उनको फेस करना पड़ता है। जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो हम बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज पर गौर करते हैं, और हम जब उनको देखते हैं तो हमें पता लगता है कि उनकी जिंदगी भी आजमाइशों से दो चार थी। इब्राहिम के ताल्लुक से हम देखते हैं कि खुदा का बहुत बड़ा सूरमा खादम था और खुदा ने उसको बड़ी बरकत दी, खुदा ने उसके साथ वादे किए और उसके साथ हम कलाम हुआ, लेकिन वो भी आजमाइशों में से और हालात में से गुजर कर, कायम रहकर, ईमान पर गलबा हासिल करके वो क्या हुआ, आगे बढ़ता चला गया। इसी तौर से आज हम जिस जबूर के ऊपर गौर किए हुए हैं, तो ये दाऊद नबी की दुआ है, ये दाऊद नबी का जबूर है, और मैं जब आज सुबह से इसको पढ़ रहा था तो इसके अंदर जब हम पीछे एक दो दो जबूर को जो हम पीछे से भी पढ़ते हैं तो इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, हमें पता चलता है कि दाऊद जो था वो बादशाह था और वो बादशाहत कर रहा था, और उसकी बादशाहत के अंदर क्या हुआ, एक मुखालफत हो गई, और मुखालफत किसने की थी, उसके बेटे ने। इसकी पूरी तारीख जो है हमें आदि अतीक के अंदर मिलती है कि उसका बेटा जो है वो उसके खिलाफ खड़ा हुआ और उसने पॉलिटिक्स करके, सियासत करके जो है अपने बाप के खिलाफ एक बड़ी ही साजिश के तहत जो है वो एक बड़ी बगावत की और उसके सामने खड़ा हो गया, और बादशाह जो था, दाऊद जो था, वो वीरान इलाकों में जंगल के अंदर अपने साथियों के साथ रहा किया और बहुत दिनों तक जो है वो इस सूरत हाल के अंदर खुदा की हुजूरी के अंदर दुआएं करता रहा। और इन सारे ज़बूरों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें उन सारी बातों की जो है वो तस्वीर नजर आती है। तो यहाँ पर हमने जो आयात पढ़ी है, इनकी रोशनी के अंदर हम उसकी जिंदगी को भी देखते हैं कि वो बहुत पावरफुल होने के बावजूद, बादशाह होने के बावजूद, खुदा का ममसू होने के बावजूद वो किस हालात से गुजर रहा है, मुश्किल हालात में से गुजर रहा है, टेम्पटेशन है, बगावत हो गई है, मुखालफत हो गई है, लोग उसके खिलाफ हो गए हैं, अगरचे वो खुदा का चुना हुआ है,
साउल को खुदा ने हटाया और दाऊद को सैमुअल नबी के वसीले से उसने मसा किया और चुना, और खुदा ने कहा कि दाऊद नबी जो है वो मेरे दिल के मुताबिक मुझे मिल गया है। तो इन सारी चीजों को जब एक आम ईमानदार देखता है तो वो बाज़ुकात हमारे दिल के अंदर भी ये ख्याल आते हैं कि ये आजमाइशें क्यों हैं हमारी जिंदगी के अंदर, क्यों हम इन सारी बातों का शिकार रहते हैं और क्यों हम आजमाए जाते हैं। तो आजमाइश जो है मेरे अजीजों, जब भी ईमानदार की जिंदगी में आती है तो पहली बात जो हम सीखेंगे कि खुदा अपने बंदों को कायम रखता है। ईमानदार शख्स जो है आजमाइश में क्या होता है, कायम रहता है। लिखा है, हमने जो नौवीं आयत पढ़ी है उसमें क्या लिखा है, वो हमारे पांव को फिसलने नहीं देता। वो पावरफुल खुदा है, वो कादरे मुतलिक है, सारी अथॉरिटी उसकी है, सारा इख्तियार उसका है, आसमान उसका है, जमीन उसकी है, कोई जमीन और आसमान की चीज हमारे खुदा के इख्तियार के बाहर नहीं है। वो हमारे पांव को फिसलने नहीं देता। सबसे पहली बात ईमानदार की जो पुष्ट बनाई है, जो उसका जोर है आजमाइशों के अंदर, वो हमारा खुदा है। अगरचे हालात हमारे खिलाफ हो, अगरचे मुखालफत हो, अगरचे बड़े बड़े तूफान बरपा हो, लेकिन अगर खुदावंद हमारे साथ खड़ा है तो वो हमें क्या करता है, कायम कर देता है। वो हमें गिरने नहीं देता, वो हमें फिसलने नहीं देता। लिखा है कि साधक सात बार गिरेगा और फिर उठ खड़ा होगा, क्योंकि खुदा उसकी पनाह है, क्योंकि खुदा उसके साथ है और वो अपने लोगों को क्या करता है, मदद फराहम करता है। मेरे साथ निकालिए पहला ग्रंथियों उसका दसवां बाब। खुदावंद की मदद, खुदावंद के काम हैरत अंगेज हैं और वो हमें हैरानी में डाल देते हैं जब खुदा हमारे लिए अजीब तौर से काम करता है। फर्स्ट क्रंथियंस चैप्टर 10 और उसकी 13 वर्ड्स को हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, तुम किसी ऐसी अजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा खुदा हमें आजमाइशों में सिर्फ डालना नहीं जानता, वो हमें आजमाइशों से गुजारना नहीं जानता, बल्कि हमें आजमाइशों में से निकालना भी जानता है। उसके अंदर कुदरत है, उसके अंदर हिकमत है, वो जानता है मुस्तकबिल को, वो सब चीजों से वाकिफ है। और यहाँ पर खुदा का बंदा पौलुस रसूल कलीसिया को ये सिखा रहा है, ये बता रहा है, जैसे पुराने अहदनामा के नबी और रसूल और बड़े बड़े उस्ताद जो हैं वो आजमाइशों से गुजरे हैं, वैसे ही आज कलीसिया और बहुत से ईमानदार जो खुदावंद पर भरोसा करते हैं, जो खुदा पर निगाह करते हैं, वो भी क्या होते हैं, आजमाइशों से गुजरते हैं। ये मुमकिन है और ये पॉसिबल है। और उस रसूल अपने खत में कहते हैं कि मुमकिन है कि हम बहुत सारी मुसीबतें जो है वो बर्दाश्त करके खुदावंद के हजूर में दाखिल हों। और यहाँ पर इस आयत पर हम जब गौर कर रहे हैं तो खुदावंद क्या करता है, निकलने की रास्ता भी बना रहा है ताकि हम कायम रह सके। वो हमारे पांव को फिसलने नहीं देता। वो हमारा जोर है, वो हमारी कुम्मक है, वो हमारी चट्टान है, वो हमारा किला है, वो हमारे लुकने और छुपने की जगह है। मेरे अजीजों, फकत हमें उस पर एतकाद रखना है, उसके कलाम पर गौर करना है, क्योंकि वो हमें तमाम तर हालात में से निकलने की राह बताता है, दिखाता है, सिखाता है। लेकिन जो है शर्त ये है, खुदावन की डिमांड ये है कि हम फरोतनी के साथ, सबर के साथ उसके वादों पर भरोसा करें
और मेरे अजीजों, जब दाऊद की जिंदगी पर भी हम गौर करते हैं तो खुदा ने उसको वापस बहाल किया, और वो जो बड़ी बगावत उसके खिलाफ हुई थी, खुदा ने उसके दुश्मन को जेर किया और खुदावन ने उसको दोबारा से यरूशलेम के अंदर जाने की तौफीक बख्शी। और वो इसी जबूर के अंदर याद करता है खुदा के कामों को जो माजी में भी खुदा ने बनी इसराइल के साथ किए, और मुस्तकबिल में भी वो खुदावन के वादों पर यकीन करता है कि खुदा क्या करेगा, निकलने की राह भी पैदा करेगा। तो पहली बात जो हम देख रहे हैं वो ये है कि खुदा हमें आजमाइश में क्या करता है, कायम रहने का फजल बख्शता है। एक और आयत इसी ताल्लुक से हम देखेंगे, बड़ी खूबसूरत बात इसके अंदर भी। दूसरा पत्रस, पत्रस रसूल का दूसरा खत, सेकंड पीटर चैप्टर 2 और वर्स 9। इसमें लिखा है, दूसरा पत्रस उसका दूसरा बाब और उसकी 9वीं आयत, तो खुदावन दीनदारों को आजमाइश से निकाल लेना और बदकारों को अदालत के दिन तक सजा में रखना जानता है। ही नोस, उसको पता है कि क्या करना है, उसको पता है कि कैसे रास्ता निकालना है। लेकिन उनके लिए जो दीनदार है, जो खुदा के तलबगार हैं, जो खुदा पर भरोसा रखते हैं, जिनका ईमान, जिनका तवक्कल, जिनका भरोसा खुदा का कलाम है, खुदा की हजूरी है, वो उनके लिए रास्ते बना देता है, वो उनके लिए रिहाई के दरवाजे खोल देता है, और अपने लोगों के लिए खुदावन समुद्रों को दो हिस्सों में तकसीम कर देता है। जहां पर इंसानी सोच और फहम और फरासत खत्म हो जाती है, जहां पर इंसान को नजर आता है कि अब तबाही है, अब आगे कोई रास्ता नहीं है, आगे बियाबान है, खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, कोई प्रोविजन नहीं है, कोई मेडिकल सोर्स नहीं है, हम कैसे इससे आगे पार कर जाएंगे, हम कैसे इन पानियों को बूर करेंगे, हमारे पास कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, हमारे पास अनाज नहीं है, हम कैसे अपने बाल बच्चों को पालेंगे, हम कैसे अपने जो है वो सारी चीजों को जो है हैंडल करेंगे। तो खुदावंद जो है अपने लोगों के लिए सब कुछ करना जानता है, हमारा खुदा नादिर खुदा है। दूसरी बात जो हम सीखेंगे वो है, तूने हमें ऐसा ताया जैसे चांदी ताई जाती है। 10वीं आयत, क्योंकि ऐ खुदा तूने हमें आजमा दिया है, तूने हमें ऐसा ताया जैसे चांदी ताई जाती है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा अपने लोगों को आजमाइशों के अंदर इसलिए जाने देता है ताकि वो प्योर हो, उनके अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं, जो उनके अंदर खराबियां हैं, खुदा उनसे उनको निकालना चाहता है। खुदा चाहता है कि हम इन टेस्ट को, इन टेम्पटेशंस को क्रॉस करके, इनको फेस करके, इनमें से गुजर कर हम नए दर्जे पर पहुंच जाएं, हम खुदा की हुजूरी में आगे बढ़ जाएं, हम उसकी मिजाज पर, उसकी जात की इलूहियत में हम आगे बढ़ें और खुदावंद को जानें। मेरे अजीजों, अय्यूब नबी की मिसाल हमारे सामने है, और बड़ी खूबसूरत आयत जो है वो अपने 23वें बाब और उसकी 10वीं आयत में हम देखते हैं। टेम्पटेशंस ईमानदार की जिंदगी के अंदर जो है वो प्योरिटी को लेकर आती हैं। खुदा इम्प्योरिटीज को हमारे अंदर से निकालता है, हमें ऐसे हालात में जाने देता है। वो खुदा बाजुका दूसरी कौमों को, दूसरे लोगों को इस्तेमाल करता है, और वो चाहता है, इसके पीछे रीजन ये है, इसके पीछे खुदा की मर्जी ये है कि हम क्या हों, हम प्रमोट हो जाएं। इन टेम्पटेशंस में से गुजर कर, इन बातों में से गुजर कर हम प्रमोट हो जाएं, हम ईमान में मजबूत हो जाएं। यहाँ पर जब हम अय्यूब की जिंदगी पर गौर करते हैं तो खुदा अगरचे खुद इसकी आजमाइशों के पीछे नहीं था, इसके पीछे कुछ और वजह थी, लेकिन खुदा ने इजाजत दी है। आमीन, आमीन। खुदा ने इजाजत दी
और खुदावन ने जो बाढ़ उसके गिर्द लगाई थी, खुदावन ने अबलीस को इजाजत दी कि जा तू मेरे बंदे को अजमा ले और तू उसको टेस्ट कर ले। और यहाँ पर 23वें बाब की 10वीं आयत के अंदर बड़ी जबरदस्त बात जो है वो कहता है, लेकिन वो उस रास्ते को जिस पर मैं चलता हूं जानता है, अय्यूब कह रहा है, लेकिन वो उस रास्ता को जिस पर मैं चलता हूं जानता है, जब वो मुझे ता लेगा तो मैं सोने की मानिंद निकल आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। He wants to purify us. उसके पीछे खुदा की मर्जी है एक मसीही ईमानदार, एक ईमानदार और खुदा के दीनदार बंदे की जिंदगी के पीछे खुदा का मकसद है। वो अचानक किसी किसी इंसिडेंट का जो है वो की वजह से माज़े वजूद में नहीं आया, बल्कि खुदावंद ने इस जहान को बनाने से पहले हम सबों को उसमें चुन लिया है। खुदा की मर्जी हमारे लिए अजीब है और वो तमाम तर हालात को जो है हमारे लिए क्या करता है, भलाई में तब्दील कर देता है। वो कह रहा है अय्यूब यहाँ पर कि जब वो मुझे तालेगा तो मैं सोने की मानिंद निकल आऊंगा। वो सारी बातें, वो सारी चीजें जो गंदगी है, जो पोल्यूटेड कर रही है, जो हमारे बातन को खराब कर रही है, खुदा आजमाइशों के वसीले से हमें उन हालात में से गुजार कर हमें पाक करना चाहता है, हमें साफ करना चाहता है। ये खुदा की मर्जी है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात जल्दी से हम देखेंगे, आजमाइश में से गुजरना और उन पर गालिब आना ईमानदारों के लिए उसका बड़ा अजर है। हम ये ना सोचें कि फकत हम यहाँ पर इस दुनिया पर दुख उठाते हैं और बहुत सी स्ट्रगल करते हैं सारा दिन, लेकिन खुदावंद ये जानता है और खुदावंद को पता है कि वो अपने लोगों के लिए बहुत बड़ा अजर रखता है। जो कोई ईमानदार आजमाइशों में साबित कदम रहता है उसके लिए एक बहुत बड़ा अजर है, और खुदा अपने बंदों को जो है सरफराज करता है और वो सारी बातों में उनका मददगार है। मेरे साथ निकालिए अय्यूब का खत, उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत। इसमें लिखा है याकूब का खत, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 12। मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावन ने अपने मोहब्बत रखने वालों से वादा किया है। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया में मुबारकबादी और मुबारक हाली उसको कहा जाता है जिसके पास बड़ी दौलत है, जो बड़ा वेल सेटल्ड है, जिसके पास दुनियावी सारी बरकतें हैं। लेकिन खुदा का कलाम हैरत अंगेज तौर पर क्या कहता है, मुबारक है वो शख्स। एक ऐसी बात है जो हमें अजीब सी मालूम होती है, लेकिन खुदा का कलाम हमें क्या कह रहा है, मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की क्या करता है, बर्दाश्त करता है, जो इंड्योर कर जाता है, जो उसमें से गुजर जाता है, जो उसमें साबित कदम रहता है। जब इब्राहिम को खुदा ने कहा कि तू जा मोरिया के पहाड़ पर और अपने बेटे को क्या कर दे, मेरे लिए कुर्बान कर दे, तो क्या ये आसान बात है कि अपने इकलौते बेटे को जिसका खुदा ने वादा किया हुआ है उसको कैसे वो अपने ही हाथों से, कैसे उसके गले पर, उसके जिस्म पर वो अपने हथियार को चलाता। लेकिन जब वो कायम रहा, जब वो खड़ा रहा, तो खुदावंद उसके साथ था और खुदा ने उसको बड़ा अजर दिया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो मकबूल ठहरा वो क्या मिलेगा, उसको जिंदगी का ताज मिलेगा, एवरलास्टिंग लाइफ। ये बहुत सारे ताज हैं जो खुदा अपने लोगों को देगा जब वो आसमान पर जाएंगे। कलीसिया के लिए ये ताज रखा हुआ है, अगरचे आज हम, अगरचे कलीसिया
मुश्किलात में से गुजर रही है, आजमाइशों में से गुजर रही है, बीमारियां हैं, रुकावटें हैं, माली परेशानियां हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन मेरे अजीजों उम्मीद हमारी जिंदा है, हमारा खुदावंद जिंदा है और उसका वादा है जो मकबूल ठहरेगा वो जिंदगी का ताज हासिल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर खुदा हमारी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा, वहां पर कोई तारीकी नहीं है, वहां पर कोई गम नहीं है, वहां पर कोई रोना नहीं है, वहां पर कोई भूख नहीं है, वहां पर कोई प्यास नहीं है। जहां पर खुदा की हजूरी होगी और वहां पर खुदा के लोग क्या करेंगे, हमेशा तक जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और वो हमेशा की जिंदगी हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, हम उसके पास रहेंगे और वो ताज हासिल करेंगे जो खुदावंद अपने मोहब्बत रखने वालों को। जो किसी से मोहब्बत करता है ना, वो उसके लिए बहुत सारी चीजों को फेस भी कर सकता है। खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी तो उसने क्या किया, एक नामुमकिन काम किया, उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा और जो गुनाह से वाकिफ ना था उसने उसको हमारे लिए गुनाह ठहरा दिया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी को हासिल करें। इसी तरह से हमारा ये फर्ज है कि हम भी खुदा की मोहब्बत में क्या करें, तमाम बातों में से गुजरते चले जाएं, अपनी निगाहें, अपने सारे ख्याल, अपनी सोचें हम खुदावंत पर लगाएं, तो हम क्या होंगे, मकबूल ठहरेंगे और जिंदगी का ताज हमें देने के लिए वो मौजूद है आसमानों पर। एक और बात आखिरी हम देखेंगे कि आजमाइश जो है वो खुदा के नजदीक पसंदीदा है। हम शायद इसको पसंद नहीं करते, हम मुश्किलों में से गुजरना अच्छा नहीं लगता हमें जब हालात बड़े तंग हैं, बड़े बड़ी टेम्पटेशंस हैं, लेकिन ये खुदा के नजदीक में पसंदीदा है। खुदा इसको पसंद करता है कि मेरा रास्तबाज बंदा जो है इन तमाम तर इम्तिहानों को पास करके मेरे पास पहुंच जाए और मैं उसको जिंदगी का ताज दूं। मेरे साथ निकालिए पहला पत्रस उसका दूसरा बाब और उसकी 19वीं आयत। खुदा के नजदीक ये पसंदीदा है। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2। बस अगर कोई खुदा के ख्याल से बेइंसाफी के बायस दुख उठाकर तकलीफों की बर्दाश्त करे तो ये पसंदीदा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है, अगर कोई खुदा के ख्याल से बेइंसाफी के बायस दुख उठाकर तकलीफों को बर्दाश्त करे तो ये पसंदीदा है। खुदा पसंद करता है कि मेरे लोग जो हैं, जो मेरे नाम से कहलाते हैं, अगर वो रास्तबाजी के सबब से दुख उठा रहे हैं, अगर वो रास्तबाजी के सबब से किसी आजमाइश में से गुजर रहे हैं, अगर रास्तबाजी के सबब से उनको संसार किया जा रहा है, अगर रास्तबाजी के सबब से वो सताए जा रहे हैं, तो ये खुदा की निगाह में पसंदीदा है, क्योंकि खुदाबंद का भेद है इसके पीछे। खुदा का एक बड़ा प्लान है, खुदा की एक मर्जी है, वो अपने हाथ को रखता है और वो हमें ऐसे हालात में जाने देता है बाजुका। अब देखिए स्तिफनस की जिंदगी को, वो बड़ा जबरदस्त सूरमा खुदा का खादम और वो उसको जो है वो संसार किया गया। काम उसका क्या था, वो गवाही दे रहा था, लोगों को अंजील और खुशखबरी की मुनादी कर रहा था और उसको संसार किया जा रहा था। लेकिन जब उसने लिखा है अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाई तो उसने यीशु मसीह को खुदा बाप के दाहिनी तरफ खड़े हुए देखा। यीशु मसीह जो है अपने लोग, अपने बंदे को वेलकम करने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए खड़े हैं। तो खुदा की निगाह में ईमानदार की जिंदगी के अंदर आने वाली टेम्पटेशंस जो है वो क्या है, पसंदीदा है। मत्ती की अंजील उसके 5वें बाब के अंदर जो है यीशु मसीह ने एक मुबारक हाली का जिक्र किया है। ये भी सब मेरे सबब से 18वीं 10वीं आयत से।
मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लानतान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बात तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तुम मुबारक होगे। हालेलुया हालेलुया। खुदा के लोग जो हैं उनकी उनकी जो है उनकी आजमाइश, उनका मुश्किलात में से गुजरना, उनका खुदा के लिए दुख उठाना, वो मुबारक हाली की बात है, वो खुदा के नज़दीक पसंदीदा बात है। और खुदा अपने लोगों के लिए रास्ते भी बनाता है, ऐसा नहीं है कि वो हमें छोड़ देता है। खुदा हमें बहाल भी करता है, खुदा हमें निकाल भी लेता है, वो हमें शिफा भी देता है, लेकिन बाज़ुकात खुदा हमें रहने भी देता है ताकि हम उसकी हजूरी में आगे बढ़ जाएं, हमारी तरक्की हो जाए, हम बोने के बोने ना रह जाएं, बल्कि हमारा कद खुदा की हजूरी में बढ़ता चला जाए। खुदा की ये आरजू है कि मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरी बेटियाँ खुदा के हजूर में उनके कद क्या हो ईमान में बढ़ते चले जाएं। और एक बड़ी खूबसूरत आयत कलाम में लिखी है कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले मसीहा को तकते रहो, उसके कद के अंदाजे तक पहुंचते रहो। और जब हम बढ़ते चले जाते हैं तो एक वक्त आएगा कि हम खुदावंद की हजूर पहुंचाए जाएंगे, जहां पर ना रोना होगा ना आंसू होंगे, वहां पर खुदा की हजूरी होगी। मेरे अजीजों, कलीसिया के पास उम्मीद है, कलीसिया के पास जिंदा उम्मीद है कि हमारा खुदावंद जिंदा है और वो हमें लेने के लिए आने वाला है। ये जिंदगी जो है ये मुख्तसर है, ये हवा के झोंके की तरह है, एक बादल की तरह है जो चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एक वक्त आएगा कि कलीसिया और खुदा के लोग जो हैं हमेशा और अब्दुल अबाद खुदा के हजूर में जिंदगी का ताज हासिल करेंगे। आइए मेरे अजीजों, खुदावंद के हजूर में अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा के कलाम के लिए शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदा हमें अपने कलाम के वसीले से